अशु 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये सिर्फ देखिए दिल्ली और मेरठ, आप और हमें फायदा नहीं होगा, और किसे बिल्कुल फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, गुरुग्राम के लोग भी यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, पूरी प्लानिंग है। और दरअसल बिल्कुल, और दिल्ली एनसीआर से मेरठ की कनेक्टिविटी, और सबसे बड़ी बात क्या है, न्यूनतम किराया 20 रुपया है और अधिकतम किराया 100 रुपये है। ट्रैफिक समस्या, जाम से जूझना पड़ता है दिल्ली एनसीआर के लोगों को, सोचिए कि चंद मिनट्स में इतने किलोमीटर की दूरी, सफर बहुत आसान, लग्जरियस सुविधा। रिपोर्ट दिखाते हैं स्पेशल हमारे सहयोगी। ये वो चमत्कारी ट्रेन है जो मेरठ की तरक्की की कहानी को दोबारा लिखने का मादा रखती है, और ये वो ट्रेन है जो दिल्ली के लोगों को दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर जाकर आशियाना बनाने की एक सुंदर सी वजह देगी, और ये काम शुरू हो गया है। मेरठ दिल्ली का सैटेलाइट टाउन बनने के लिए तैयार है, और इसका सहरा रैपिड रेल को बनता है, जिसको आज पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। देश में जो 8 रैपिड ट्रेन कॉरिडोर बनेंगे उनमें से ये पहला है। 2 करोड़ को छूती दिल्ली की आबादी और 35 लाख की मेरठ की आबादी को ये सौगात ऐसे वक्त पे मिली है जब दिल्ली आबादी के बोझ से चरमरा रही है। ऐसे में ये तेज रफ्तार रेल प्रोजेक्ट बेहद खास हो जाता है। फिलहाल पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया है। पहले हम आपको इस पूरी लाइन की दूरी और इसके स्टेशन के बारे में बताते हैं। पूरा प्रोजेक्ट 82 किलोमीटर का है। रैपिड रेल सरायकाली खां से चलेगी और न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुर और मोदीपुरम तक जाएगी। आज पीएम मोदी ने साहिबाबाद से दुरई तक के सेक्शन का उद्घाटन किया है, जो कुल 17 किलोमीटर का है, और ये दूरी रैपिड ट्रेन महज 12 मिनट के भीतर तय करेगी। ये सेक्शन साहिबाबाद से दुरई डिपो तक का है, जिसमें कुल 5 स्टेशन है। ट्रेन की खास बात यह है कि इसके कोच और पूरी ट्रेन मेड इन इंडिया है। ये पूरी तरह आवाज रहित है, यानी इसका सफर बेहद खास होगा, दिल्ली मेट्रो से भी बेहतर एहसास आपको यहां होगा। आज भारत लड़ाकू विमान बनाता है, लड़ाकू को विमान के साथ साथ समंदर में तिरंगा फहराने वाला विक्रांत जहाज भी बनाता है, और ये जो आज तेज रफ्तार नमो भारत शुरू हुई है, वो भी मेड इन इंडिया है, भारत की अपनी ट्रेन है। रफ्तार की बात करें तो रैपिड रेल की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले ही सफर में इसकी रफ्तार की झलक मिली, लेकिन ये अभी 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। सफर शानदार है, लेकिन रैपिड रेल का किराया बेहद कम रखा गया है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने का सबसे कम किराया 20 रुपए रखा गया है, जबकि प्रीमियम क्लास में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का सबसे कम किराया 40 रुपए तक किया गया है। साहिबाबाद से दुरई डिपो के बीच का किराया 50 रुपए होगा, वहीं साहिबाबाद से गाजियाबाद के लिए 30 रुपए, साहिबाबाद से गुलधार के लिए 30 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। रैपिड ट्रेन के टिकट के लिए डिजिटल QR कोड बेस्ड टिकट मिलेगा। टिकट आप रैपिडेक्स कनेक्ट ऐप के जरिए ले सकते हैं, यानी कोई टोकन नहीं मिलेगा, प्रिंटेड टिकट मिलेगा जिस पर बार कोड रहेगा। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की भी व्यवस्था होगी, लेकिन मेट्रो का कार्ड यहां नहीं चलेगा। जब 2025 में ये प्रोजेक्ट पूरा शुरू हो जाएगा तो कुल 30 रैपिड ट्रेन इस रूट पर चलेंगी। अभी 15 मिनट पर एक ट्रेन मिलेगी, लेकिन बाद में जरूरत के मुताबिक 5 मिनट पर भी ट्रेन मिलेगी। अब इस ट्रेन का पूरा मकसद समझिए, इससे लोग मेरठ जाकर काम करने और कारोबार करने और वहां बसने को लेकर प्रेरित होंगे। योगी सरकार ने तो इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। मेरठ जिले में बहुत जल्द 2 विशाल इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित होगी। ये टाउनशिप इतनी बड़ी होगी कि ये NCR की सैटेलाइट टाउन कहलाएगी। मेरठ के प्लान में 2 जगहों पर स्पेशल डेवलपमेंट जोन बन रहे हैं। पहली टाउनशिप रैपिड एक्स स्टेशन मेरठ साउथ के नजदीक मोहिजुद्दीनपुर में 300 हेक्टेयर में बसेगी। उस टाउनशिप में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम व फरीदाबाद तक की आबादी को लाने की योजना है। इसमें निवास व कामकाजी लोगों को मिलाकर लगभग 2.50 लाख की आबादी का लक्ष्य रखा गया है। यानी मेरठ के लोगों को ही नहीं, इस रैपिड रेल का फायदा कुल मिलाकर दिल्ली से गुरुग्राम तक की बड़ी आबादी को, कारोबारियों और कंपनियों को होगा, ये तय है। निर्मल शर्मा के साथ ऐश्वर्य पालीवाल, आज तक।